बनाते हैं गुड़िया जी, आप लोग देख लीजिए पूरा। अच्छा दोस्तों खर है निकालते हैं गुड़िया। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों ये ब्लॉग है जो कुछ अलग होने वाले हैं। तो सबसे पहले चीकू को देख लीजिए, ये आप सभी को मछली दिखा रही है, वो भी दोस्तों इसे टेंगटा मछली बोलते हैं, टेंगटा ना, टेंगड़ा, टेंगड़ा मछली। और देखिए दोस्तों यहाँ पे गुड़िया जी और भी मछली रखे हुए हैं। तो आप सभी को दोस्तों आज इसकी रेसिपी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो जो लोग दोस्तों अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं वो कृपया इस वीडियो को मतलब नहीं देखिएगा। हाँ, और ये चीज करने से किन्हीं भाइयों को मतलब दुख लगा होगा, किन्हीं को भी, तो कृपया हमें माफ कीजिएगा। बट इसकी रेसिपी है जो कि हम आप सभी को दिखाने वाले हैं, जिनको पसंद है वो देखेंगे, तो हमें कृपया माफ कीजिएगा जिनको ये सब चीज पसंद नहीं होते हैं। तो चलिए भैया जी अभी इसको धोएंगे और आप लोग दिखाते हैं आप लोगों को बैक कैमरे से कैसा मछली है। दोस्तों मछली की साइज जिसे पोठिया मछली भी बोलते हैं, और ये ना बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। हाँ, खर करके भूनते हैं, इतना बड़े बड़े हैं और खर करके भून दीजिएगा तो खाने में बहुत ही। और ये मछली नहीं मिला था आपको? कौन सा? ये बोलते हैं इसको चिल्हक्कड़। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या बोलते हैं इन मछलियों को। हम लोग पोठिया और चिल्हक्कड़ इसे बोलते हैं, है ना। तो चलिए अभी धोइए जा करके। अभी दोस्तों हम पानी लेकर चले आए हैं और इसमें देखिए टेंगड़ा मछली जिसे बोलते हैं उसे डाल दिए हैं। और ये देखिए सारी मछली को धो लेते हैं ताकि ये सब कीचड़ लगा हुआ है ना, उस पूरी तरह से क्लियर हो जाए ताकि बनाने में। ऐ चीकू गर जाएगा, छोड़ दो, तुम ही करो 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 करो। तो अभी निकाल दे रहे हैं, चीकू भी निकाल रही है साथ में। काट लेगा बेटा। और इसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, पूरे सारे मछली को फ्रेश से धो दिए हैं और उसके बाद फोड़ेंगे इसकी, यानी कि अतड़िया निकालेंगे। और अतड़िया निकालने के बाद इसकी जो चोंटे होते हैं ना उसको भी छुड़ाएंगे और उसके बाद मसाला उसाला डाल करके तेल में फ्राई किए जाएंगे, है ना चीकू। और मेरी चीकू बेटी जो खाएगी, छोड़ दो टब, छोड़ दो बेटा, देखेंगे खाएगी। तो अभी ले जा करके फोड़िए गुड़िया जी, साइड में रख करके, तो यहीं पर रख करके फोड़िए। सारे मछलियाँ जो कि बन चुके हैं गुड़िया जी बना दिए हैं, और उसके बाद सारे यात्री को इधर साइड में कर देंगे और उसके बाद नीप देंगे, है ना। चलिए अभी कल पर धोने के लिए ले करके चलते हैं। लीजिए करिए अभी दोस्तों हम लोग कोई मछली को धोते हैं तो उसे बोरे पर ही, वहाँ पर तो पक्का नहीं तो पक्के पर ही धोते हैं। तो अभी फिलहाल बोरा है तो बोरे पर ही इस मछली को धोएंगे। हम मछली को अच्छे तरीके से धो लेते हैं, उससे पहले इसे साइड में कर देते हैं क्योंकि इसमें कांटा रहता है जो हाथ में चुभता है, तो इसे हम साइड कर लेते हैं। उसके बाद इसे धोएंगे, अभी फ्रेश से धोते हैं ताकि इसका चोंटा ये सब है ना ये सब छूट जाए। तो अभी इसे थाली में निकाल लेते हैं, उसके बाद ये भी धोना है। तो गुड़िया जी यहाँ पे मछली धोकर के लेके आ रहे हैं और फ्रेश हो गए, चमक रहा है, चमक रहा है। साइड में रखिए, टेबल पर रख देते हैं। अभी मछली भुनाने के लिए एकदम तैयार कर दिए गुड़िया जी पूरी तरह से, और देखिए चूल्हे को भी निपाई पोताई कर दिए, जो कि चूल्हे में जलावन भी जला दिए और इधर मछली साइड में लिए, और इधर देखिए यहाँ पे मसाला भी पीस दिए हैं और सारे चीजों को इकट्ठा कर लिए हैं। तो आसानी हो तो हम इसमें मसाले को मिक्स कर लेते हैं, और देखिए हम मसाला पीस लिए हैं वो भी दोस्तों मिक्सर मशीन में, और अब आसानी हो जाता है, तुरंत पीस लेते हैं मसाला। तो अभी इसमें थोड़ा मिलाएंगे, और इसमें राय, गोलकी जीरा और लहसुन का पेस्ट है, इसमें हल्दी भी डाल दिए दोस्तों और नमक भी, और इसे हम पूरी तरह से मिक्स करेंगे, यानी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उधर तो कढ़ाई तो गर्म हो ही गए हैं, उसके बाद तेल डालेंगे और जल्दी से जल्दी फ्राई करके निकालेंगे। हाँ। और इसकी सब्जियां बनाए जाएंगे। और दोस्तों आज ना मछली और रोटी जो कि बनाएंगे और खाने वाले हैं हम लोग, और देख लीजिए किस तरह से रेसिपी एक तरह से बनाते हैं गुड़िया जी, आप लोग देख लीजिए पूरा। हाय, बहुत ज्यादा गर्म हो चुके हैं दोस्तों, और इसमें अब सरसों का तेल डालेंगे, और देखिए और कढ़ाई ज्यादा धीका होता है ना दोस्तों, तो बढ़िया से ये मछली भुनाता है। तो चलिए अभी हम भूनते हैं, इसे साइड रख डालिए।
चले नहीं, ठीक है। तो विराट जो कि सो करके उठ गया है और कैसे कर रहा है, बहुत देर के बाद मतलब उठता है ना तो ऐसे ही करता है। तो अभी दूध पिएगा और तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मछली को देखिए, हम विराट तक दूध पिया रहे थे। हाँ देखिए अभी से एक साइड मछली जो कि फ्राई हो चुके हैं तो इसको पलट देते, पलट देना। यहाँ पर पूरी तरह से फ्राई हो गए हैं। दीजिए आज आप बनाइए और हम खाएंगे। आज हम बनाएंगे और गुड़िया जी खाएंगे, इनका ये कहना है। तो हम रियली में पूरा जो कि मछली हम ही फ्राई करेंगे और हम ही बनाएंगे। विराट को लिए हुए देख लीजिए, आज गुड़िया जी विराट को लिए हुए बोल रहे हैं कि नहीं आज आप ही को मतलब बनाने हैं, हम विराट को धरेंगे। बोले ठीक है हम बना देते हैं। तो अभी ये फ्राई हो चुका है, आप लोग भी देख लीजिए किस तरह का हुआ है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो कि पोठिया मछली अच्छे से फ्राई हुए हैं या नहीं। तो देखिए ऐसे दोस्तों खर है, इसे निकालते हैं। गुड़िया जी इतना खर भूनते हैं कि नहीं? भूनते हैं, भूनते हैं। इन्हीं से हम सीखे हैं खाना बनाने के लिए, मेरे को सिखा दिए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे मछली हैं जो विराट के पापा जी भून दिए हैं, और इधर प्याज भी काट दिए हैं, इधर टमाटर भी, और हम विराट को तेल मालिश कर सुला दिए हैं। तो उसके बाद गुड़िया जी काम पर लग गए बनाएंगे। हम प्याज का फोरन डाल देते हैं दोस्तों, बहुत लोग राज को भी फोरन डालते हैं और मेथी का भी, प्याज का भी फोरन डालते। प्याज का मतलब फोरन हम लोग इसलिए डालते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए बहुत लोगों को मतलब देखे हैं कि प्याज नहीं डालते हैं मछली में, तो लेकिन हम लोग डाल करके खाते हैं क्योंकि अपना अपना च्वाइस बहुत लोगों का होता है ना, इस चलते बहुत लोगों को ये मछली पसंद नहीं होती, कुछ और मछली पसंद होते हैं, लेकिन हम जो जो इंसान को पसंद आता है ना उसकी तारीफ। पहले हम बचपन में बहुत ज़्यादा मछलियाँ मारा करते थे, बट अभी तो नहीं मारते हैं, ये आप सभी को बता रहे हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं मारते हैं। कभी कभी अगर वो सब गुड़िया जी का नदी है ना, जो देखे होंगे आप लोग ब्लॉग में, गुड़िया जी का जो नदी है ना, जब नदी में बर्तन मांजने जाते थे ना या कपड़ा धोने तो दुपट्टा या साड़ी का ही मच्छरदानी लगाते थे और मारते थे गुड़िया जी बताते हैं। अरे गोष्टा मछली होता है, किट 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 बोलता है ना नदी, जब थोड़ा थोड़ा पानी हो जाता है ना उसके बाद आप डुबकी लगाइएगा उसके बिल के पास तो किट किट करेगा, किट किट करते रहेगा, उसमें से निकालिएगा तो हाथ फाड़ देता है वो। लेकिन उसे कपड़ा हाथ में बांध लीजिए उसके बाद उसके बिल से निकालिए तो कुछ नहीं करता है, डालिएगा तो आपका। अब गोश्ता खाने में मतलब गोश्ता मछली जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अरे मसाले को इकट्ठे कर लेते हैं और ज्यादा मतलब मसाला मत डालिएगा मिर्चा, नहीं तो बहुत तीखा लगता था हमें, कान लहर नहीं लगता। बहुत लोगों को तीखा पसंद है, मेरे को तीखा पसंद नहीं है, गुड़िया जी को भी नहीं। एक कल एक दिन हम खाना बनाए थे बहुत ज्यादा तीखा, हाँ, तीखा खाना खाए ही नहीं हम लोग, है ना। और ये दोस्तों देखिए कितना खर भूंजा हुआ है, तो गुड़िया जी निकाल लीजिए प्लेट में थोड़ा सा बाद में खाने के लिए। और देखिए शाम हो गया और देखिए वो डॉगी है जो खाने के लिए वेट कर रहा है, इसमें आधा निकाल देते हैं क्योंकि हम लोग बाद में खाते हैं। तो ऐसे ऐसे कौन कौन लोग करते हैं कि मतलब मछली भून जाता है तो बाद में निकाल लेते हैं उसके बाद खाएंगे, और उसके करी भी लगा लेंगे और सुखरी भी खाते हैं, हम लोग सुखरी बोलते हैं। तो ग्रेवी हो रहे हैं फ्राई, उसके बाद मछली डालेंगे और खाना हो जाएगा हमारा रेडी, रोटी बनाएंगे उसके बाद। रोटी बनाना है, भून आ गया है और इसमें अब पानी डालेंगे, पानी डालेंगे और भी। तो हमारा ग्रेवी हो चुका है रेडी, अब इसमें ना मछलियाँ जो कि जाएंगे और खोल भी गए, और खोल भी गए तो अभी डाल देंगे गुड़िया जी, और अलग से छाट लिए सुखरे और डालिए गुड़िया जी, और उसके बाद रोटी बनाए जाएंगे, और रोटी और मछली मस्त तरीके से खाए जाएंगे और मजा आ जाएगा आज क्या ही। अभी दोस्तों हमारा जो कि मछली है वो पूरी तरह से रेडी हो गया है, और इसके बाद जो कि रोटी बनाए जाएंगे, और रात भी अब होने वाले हैं, देख सकते हैं क्या गुड़िया जी, हम रोटी बनाते जाएंगे। जला मत दीजिए मेरे पैर को, क्या बोले, बोल रहे हैं कि आप, हम रोटी बनाते रहेंगे और आप खाना खाते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे। और देखिए मस्त बने हैं सब्जी, रोटी है जो कि बन गए हैं, और ये देखिए आधा रोटी है जो कि मैंने आज बनाया है,
और दोस्तों सबसे पहले कुत्ते को मैं दे देता हूँ, क्योंकि कुत्ते हैं ना जो कि आ करके वेट करते रहते हैं कि कब खाना बनेगा, कब मिलेगा हमको। और वो कुत्ता वो डॉगी ना घर में नहीं खेलता है, बस आंगन में ही रहता है, बैठल दिन भर रहता है पर घर में नहीं घुस करके खाता है, घुसता है। तो चलिए अभी मैं उसके लिए एक रोटी पहले ले लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग खाना खाएंगे। लो लो चिकू जाओ कुत्ता को दो, तोड़ के देना। चिकू डॉगी को खिलाएगी हाथ उसे नहीं बिठा, रख दो रख दो रख दो, खा लेगा वो ऐसे रख। देखिए अभी लेके चला गया, वो बच्चों को खिलाएगी, ये देखिए भाग गई। अभी रात हो गया दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और ये किधर है, लो तुम भी लो, लो लो भागो मत, छोड़ दो चिकू। तो अभी दोस्तों कुत्ते को भी खाना मतलब दे दिए सबसे पहले, क्योंकि वो लोग वेट करते रहते हैं जो मतलब खाने के लिए, तो उनको दे दिया, तो वो अब चले जाएंगे और ज्यादा नहीं दे पाए। रोटी लेकर चलेंगे अपने बच्चे, बच्चों के लिए लेकर चले जाती है वो, तो इसीलिए मतलब उसको जल्दी दे देते हैं, बनता है तो दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग आप सबको अच्छे लगेगा, अच्छी लगती इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।